हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एक नंबर गिवन है, एक ईयर गिवन है, तो अगर हम ये आइडेंटिफाई करना हो कि क्या ये ईयर लीप है कि नहीं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो लेट्स से हमारे पास एक ईयर है, वो 2004 है। तो 2004 जो हमारा ईयर है वो लीप ईयर है। हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये ईयर हमारा लीप ईयर है कि नहीं? ये कंडीशन होती है कि अगर हमारा ईयर जो है वो डिविजिबल बाई 4 है और सेंचुरी ईयर नहीं है, नॉट सेंचुरी ईयर, तो हम कहते हैं कि वो लीप ईयर। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो नंबर है या जो ईयर है वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए और वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर हो सकता है। अगर वो 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है और 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो लीप ईयर होगा। लेकिन एक इसमें कंडीशन भी है कि अगर हमारा ईयर 400 से डिवाइड हो जाता है डायरेक्टली, तो भी जो हमारा नंबर या जो ईयर है वो लीप ईयर होता है। तो आइए इसको फ्लो चार्ट के रूप में हम देखते हैं। तो मान लीजिए कि हमने एक ईयर यूजर से इनपुट करा लिया है और मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये ईयर लीप ईयर है कि नहीं है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम एक कंडीशन चेक कर लेते हैं कि क्या ये ईयर 4 से डिविजिबल है क्या। तो अगर ईयर मॉडुलस 4 इज इक्वल टू 0, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर दिस इज ट्रू और दिस इज फॉल्स। तो अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो हो सकता है लीप ईयर हो, लेकिन अगर ये 4 से डिवाइड नहीं होगा तो निश्चित रूप से नॉट लीप होगा। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन, एक वैल्यू प्रिंट कर दी कि नॉन लीप। अगर ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये ईयर 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो निश्चित रूप से ये लीप ईयर नहीं होगा। हम मान लीजिए कि हमारा ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है, तो हमें 100 से डिविजिबिलिटीज की टेस्ट करनी पड़ेगी। हमने ये टेस्ट किया कि क्या ये ईयर मॉडुलस 100 नॉट इक्वल टू 0 है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है और ये कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब है कि ये लीप ईयर होगा। ये पैरेललोग्राम है, तो दिस इज लीप ईयर। लेकिन मान लीजिए कि ये 100 से डिवाइड नहीं होता है, 100 से अगर ये डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से ये लीप ईयर नहीं होगा। सॉरी, अगर ये 100 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हमें 400 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी पड़ेगी, और 100 से डिवाइड नहीं होता है तो ये निश्चित रूप से लीप ईयर होगा। तो अगर ये 100 से डिवाइड हो रहा है, तो एक बार हमें 400 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी चाहिए। ईयर मॉडुलस 400 अगर इक्वल टू 0 है, अगर ये ट्रू है तो ये लीप ईयर होगा, और अगर ये 400 से डिविजिबल नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं होगा। आइए इसी को हम एक कोड के फॉर्म में इंप्लीमेंट करते हैं। एक छोटा सा कोड बना लेते हैं। यहाँ पे हम इनपुट करा लेते हैं एक ईयर का। सो लेट्स से ईयर हमने ले लिया और यहाँ पे हम टेस्टिंग कर लेते हैं इस ईयर की। सबसे पहले हमें टेस्टिंग करनी है कि क्या ये 4 से डिविजिबल है क्या। अभी हमने कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर का यूज नहीं करना है, तो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप इसको लॉजिकल ऑपरेटर से करें। आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हर एक कंडीशन को इग्नोर, हर एक कंडीशन को इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद फिर उसका फॉल्स केस देखें एंड देन इसको इम्प्लीमेंट करें। सो अगर हमारा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है या ईयर 4 से डिविजिबल हो जाता है, तो हम इसके डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे 100 से। अगर ये 100 से डिवाइड नहीं होता है, तो निश्चित रूप से ये लीप ईयर है। सी आउट और अगर ये 100 से डिवाइड हो जाता है, तो हमें इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट 400 से करनी चाहिए। तो अगर ईयर मॉडुलस 400 इज इक्वल टू 0, सो ये लीप ईयर होगा। अदरवाइज ये लीप ईयर नहीं होता। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ हमने प्रिंट कर दिया कि ये लीप ईयर नहीं है। तो हमने 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट किया, फिर 100 से किया, और 100 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 400 से डिविजिबिलिटी टेस्ट किया। अब मान लेते हैं कि हमारा नंबर 4 से ही डिवाइड नहीं हो पाता है, तो निश्चित रूप से ये लीप ईयर नहीं है। नॉट, कंडीशन यहाँ गलत गलत हो गया।
इसके तरह से अगर वो 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये नॉन लीक ईयर होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इस कोड को। हमने सबसे पहले ईयर की 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट किया, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो 100 से डिविजिबिलिटी टेस्ट किया, अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा तो लीप ईयर निश्चित रूप से होगा, मतलब वो सेंचुरी ईयर नहीं है। फिर हमने क्या किया कि इस ईयर को ये टेस्ट किया कि क्या वो 400 से डिवाइड हो रहा है क्या, अगर वो 400 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर होगा, लेकिन अगर 400 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो लीप ईयर नहीं होगा। फाइन, लेकिन अगर वो ईयर 4 से ही डिवाइड नहीं हो रहा तो निश्चित रूप से वो लीप ईयर नहीं होगा। आइए रन करके देखते हैं इसको। इसका मतलब क्या है कि हमने इनपुट नहीं कराया इसलिए गलत गलती आ रही, तो आइए इनपुट करा लेते हैं। आइए इनपुट करा लेते हैं और ईयर का नाम है YEAR। तो लेट से हमने 2004 को टेस्ट किया, ये लीप ईयर है। फाइन, रन करते हैं इसको। लेट से हमने ईयर 2000 चेक किया, ये भी लीप ईयर है क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो रहा है। ऐसा ईयर लेते हैं जो कि सेंचुरी ईयर हो, फॉर एग्जांपल 2100, ये 4 से डिवाइड हो रहा है लेकिन ये नॉन लीप ईयर होगा क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है। फिर इसके बाद लेट से हमने 2003 टेस्ट किया, ये नॉन लीप ईयर होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया और आपने आसानी आप इसको बहुत ही आसानी से कोड कर सकते हो। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके। आइए मैं वो भी कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे अगर हमने ये लिखा कि हमारा नंबर 4 से डिविजिबल है और वो ईयर जो है वो 100 से डिविजिबल नहीं है, अगर यहाँ 4 से डिविजिबल है और 100 से डिविजिबल नहीं है तो ये लीप ईयर होगा, या फिर जो हमारा ईयर है वो 400 से अगर डिवाइड हो जाए तो भी ये लीप ईयर होगा। लेकिन इसके अलावा जो भी कंडीशंस होंगी इसमें ये लीप ईयर नहीं होगा। इफ ईयर इज डिविजिबल बाई 4 और नॉट डिविजिबल बाई 100, या फिर ईयर हमारा 400 से डिवाइड हो जाए, दोनों के केस में ये लीप ईयर होगा, अदरवाइज ये लीप ईयर नहीं होगा। इस कोड को शॉर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।